सो हेलो गाइस, कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप लोग का देहरादून पोंटा हाईवे के एक और न्यू अपडेट में। गाइस, जैसे कि आप लोगों ने मेरी पिछली अपडेट देखी होगी, इसे आज मैं मौजूद हूं कल्याणपुर और इस कल्याणपुर से आगे की अपडेट मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूं और आप लोग को दिखाता हूँ मैं इस कल्याणपुर से आगे की और अपडेट। सो गाइस, ये बैक कैमरे से आप देख सकते हैं इस कल्याणपुर में हाईवे को दोनों साइड से पूरा कंप्लीट कर, इस हाईवे को दोनों तरफ कंप्लीट किया गया है। शेरपुर से लेकर सीधा बड़ी माजरी छोटी माजरी तक पूरा इस तरीके से कंप्लीट किया गया है और बीच बीच में पट्टी छोड़ दी गई है। ये फ्रंट कैमरे से मैं मौजूद हूँ कल्याणपुर क्षेत्र में और इस कल्याणपुर में इस हाईवे को दोनों साइड से कंप्लीट कर दिया गया है। जब मैं पहले कभी यहाँ पर आया था तो एक साइड से इस हाईवे को कंप्लीट किया गया था। जो ये आप देख रहे हैं वाइट वाइट पूरा ये हाईवे इधर से हो रखा है, तो सबसे पहले इसको इधर से ही कंप्लीट किया गया था और फिर अब ये जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं साइड में, ये अभी नया इसको कंप्लीट किया गया है। तो अब ये दोनों साइड से इसको कंप्लीट कर दिया गया है और बीच में ये डिवाइडर बनाने के लिए जगह छोड़ दी गई है। ये देख सकते हैं दूर दराज तक पट्टी छोड़ दी गई है और सामने मैं आप लोग को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये उधर अभी थोड़ी सी पट्टी छोड़ी गई है और आगे और भी इसको कंप्लीट कर दिया गया है। बीच में क्योंकि ये पुल पड़ता है और पुल की वजह से इस हाईवे को बीच में छोड़ दिया गया है और आगे चलकर और अपडेट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। गाइस, आज भी काफ़ी बादल छाए हैं आसमान में और शायद बारिश होने की संभावना होने की कोशिश होगी। मैं आप लोग को इस हाईवे की आगे की और अपडेट दिखाऊँगा। चलता हूँ इस कल्याणपुर से और आगे की अपडेट दिखाता हूँ मैं आप लोग को। सो गाइस, देख सकते हैं आप लोग, मैं भी कल्याणपुर क्षेत्र से होकर आया हूँ। इधर ये पूरा कल्याणपुर गांव पड़ता है और इस कल्याणपुर के दूसरे साइड में भी आप देख सकते हैं इस हाईवे को दोनों साइड से कंप्लीट कर दिया गया। कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर तक इस हाईवे को इस तरीके से कंप्लीट किया गया है पूरा। तो आगे की चलकर और अपडेट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये इस तरीके से बीच में डिवाइडर बनाए जा रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े। दोनों साइड से इस हाईवे को कंप्लीट कर दिया गया है, बीच में डिवाइडर बनाने के लिए जगह छोड़ दी गई है। और जब मैं इस क्षेत्र में आया था उस वक्त यहाँ पर भी काफ़ी बजरियाँ पड़ी हुई थी और मैं नीचे साइड से होकर फिर इस हाईवे को पर आया करता था। उस समय पहले इस क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया गया था इस हाईवे में और मालूम नहीं था उस समय में कि हाईवे कहाँ से निकाला जाएगा ये। तो धीरे धीरे जब इस हाईवे पर काम शुरू हुआ तो धीरे धीरे रास्ता निकलना शुरू हो गया, तो फिर पता भी चलता गया कि इस हाईवे को इस तरीके से यहाँ से सीधा निकाला जाएगा। क्योंकि जब इस हाईवे पर काम नहीं छेड़ा गया था शुरुआत में तो मालूम नहीं चल रहा था उस वक्त कि इस हाईवे को यहाँ पर किस जगह से निकाला जाएगा। तो मैं शिमला बाईपास रोड पर जाता था तो वहाँ के गाँव वासियों से जब पूछता था तो कि यहाँ पर एक हाईवे निकल रहा है तो कहाँ से निकाला जा रहा है, तो फिर वो कहते थे कि यहाँ से थोड़ी सी दूर जाके आधे किलोमीटर दूर तो वो हाईवे निकल रहा है और लोगों की खेती थी वहाँ पर जो मुआवजा देकर छुड़वा दी गई थी। तो फिर मैं इस हाईवे पर आया करता था आप लोग को अपडेट देने के लिए। कल्याणपुर क्षेत्र में हूँ क्योंकि मैंने अभी किससे पूछा है तो उन्होंने बताया कि कल्याणपुर है और सेखोवाला भी थोड़ी दूर पड़ता है यहाँ से। मैं सेखोवाला की भी अपडेट दूँगा आप लोगों को। और जैसे कि मैंने आप लोग को 1 से 1.5 किलोमीटर दूर तक बताया था कि कल्याणपुर में इस हाईवे को तैयार किया गया है, ये 3 से 4 किलोमीटर दूर तक मैं चल के आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं 3 से 4 किलोमीटर दूर तक इस हाईवे को इस तरीके से दोनों साइड से कंप्लीट कर दिया गया है इस कल्याणपुर में। सो गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कल्याणपुर और सेखोवाला के बीचों बीच। इधर ये कल्याणपुर पड़ता है जिधर से मैंने अभी आप लोग को पूरी अपडेट दिखाई इस हाईवे की, और यहीं से जस्ट पास में सेखोवाला क्षेत्र शुरू हो जाएगा। और सेखोवाला और कल्याणपुर के बीच में देख सकते हैं आप लोग ये हाईवे इस तरीके से यहाँ पर अभी छोड़ दिया गया है क्योंकि यहाँ पर भी है कि ये पुल बनाया जा रहा है और पुल की वजह से इस हाईवे को यहाँ पर छोड़ दिया गया है और काफ़ी मीटर लाकर डाल दिया गया यहाँ पर। तो आगे चलता हूँ सेखोवाला। सो गाइस, अभी मैं चल कर आया हूँ कल्याणपुर से और मैं मौजूद हूँ इस वक्त सेखोवाला क्षेत्र में। और इधर सेखोवाला में इस हाईवे को देख सकते हैं, इधर ट्रंप के लिए भी तैयार किया गया है और आगे पूरा कंप्लीट इस हाईवे को तैयार कर दिया गया है।
मेरे ख्याल से ये अभी अभी यहाँ पर तैयार किया। जब पहले कभी इस हाईवे की शुरुआत की गई थी तो इसी क्षेत्र में सबसे पहले मैं आया था आप लोगों को अपडेट देने के लिए इस हाईवे की। और ये देहरादून से कम 20-25 किलोमीटर दूर पड़ता था एरिया, तो पहली बार मैं साइकिल चलाकर इतनी दूर यहाँ पर आप लोग को इस हाईवे की अपडेट देने के लिए आया था। और उस वक्त केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी थी बनाने की और इसको पास भी कर दिया गया था। यहाँ पर कुछ मुआवजे की बात चल रही थी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों के खेत थे, प्लॉट थे, जो लोग छोड़ नहीं रहे थे जब तक उन लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया था। और जब उन सबको मुआवजा दे दिया गया था तब उन लोगों ने यहाँ पर ये खेती छोड़ी थी और उसके बाद इस हाईवे पर काम शुरू किया गया था। इस साइड से मैं यहाँ पर इस हाईवे पर आया था। ये जो सामने बांस के पेड़ देख रहे हैं आप लोग, ये पुल बनाया गया था, सबसे पहला पुल बनाया गया था सीखो वाला में। और फिर धीरे धीरे कई पुल यहाँ पर तैयार किए गए थे, जहाँ पर भी पुल की ज़रूरत पड़ रही थी वहीं पर ये पुल ये तैयार किए गए थे। देख सकते हैं पूरा कंप्लीट कर दिया गया इधर ये हाईवे सीखो वाला में। बस साइड में और बीच में डिवाइडर बनाना बाकी है, जब डिवाइडर पूरा बन जाएगा तो ये समझो पूरा हाईवे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आगे सभा वाला क्षेत्र शुरू हो जाएगा, तो मैं आप लोग को ये लास्ट अपडेट सभा वाला तक की दिखाऊँगा। फिर अगली बार आप लोग को सभा वाला से हिंदू वाला, बड़ी माजरी, छोटी माजरी और मेहंदलीपुर तक की अपडेट दिखाऊंगा। ये पूरा सभा वाला गाँव पड़ता है और ये देख सकते हैं इस सभा वाला में इस साइड में भी दोनों तरफ से कंप्लीट कर दिया गया है। और इस सभा वाला में इस हाईवे को 1.5 से 3 किलोमीटर दूर तक इस तरीके से तैयार किया गया। शिमला बाईपास रोड यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है और मेहंदलीपुर में काफ़ी नज़दीक पड़ता है, सिर्फ 10 कदम दूर पड़ता है हाईवे शिमला बाईपास रोड। काफ़ी फराटे से लोग इस हाईवे पर गाड़ियां चला रहे हैं क्योंकि इधर ये पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। और जैसे कि दिल्ली देहरादून हाईवे, आसरोड़ी हाईवे और देहरादून पोंटा हाईवे की अपडेट मैं आप लोग को समय समय पर देता रहता हूं और आप लोग भी मैसेज करते रहते कि आप इस हाईवे की अपडेट दिखाए, तो मैं आप लोग को हाईवे की अपडेट दिखाने के लिए आता हूँ जिस हाईवे की भी आप लोग को अपडेट चाहिए होती है। अभी किसी ने मैसेज किया था कि परवल गांव से आगे की भी अपडेट दिखाओ, तो मैंने परवल गांव से आगे की भी अपडेट आप लोग को ज़रूर दी है, तो जो भी आप आगे की अपडेट मांगोगे तो मैं ज़रूर आप लोग को दूँगा। तो देख सकते हैं आप लोग ये पिल्लरों के ऊपर रखने के लिए यहाँ पर बीम बनाए गए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक फ्लाई ओवर बनाया जा रहा है सभा वाले क्षेत्र में, तो उसके लिए तैयारी की जा रही है यहाँ पर। और बहुत ही ज़्यादा मटेरियल इस हाईवे में इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत ही मजबूती से इस हाईवे को तैयार किया जा रहा है ताकि लंबे समय तक चले। सो गाइस, अभी तो बारिश वैसे नहीं हुई और मैं चाहता हूँ कि आगे बारिश भी ना हो। और इस सभा वाला क्षेत्र में देख सकते हैं आप लोग अभी यहाँ पर कुछ ऐसा काम नहीं किया गया और सामने देख सकते हैं आप लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ पर मिट्टी लाकर डाल दी गई है और ये मिट्टी मशीन के द्वारा जब फैलाई जाएगी फिर उसके बाद यहाँ पर पत्थर फोड़ के द्वारा उस मिट्टी को दबाया जाएगा, समतल किया जाएगा, फिर उसके बाद ट्रम्पेली इस हाईवे को तैयार वाले में ऐसा कुछ काम नहीं किया गया। तो आगे चलकर मैं आप लोग को दिखाता हूँ, आगे काफ़ी बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है इस सभा वाला क्षेत्र में। सो गाइस, ये देख सकते हैं इधर सभा वाला में ये सामने बड़ा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है इधर, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग काफ़ी बालू लाकर डाली गई है। तो इस सभा वाला में अभी ऐसा कुछ काम नहीं किया गया, यहाँ पर अभी 60% ये काम पूरा किया गया है और बाकी 40% यहाँ पर काम करना भी बाकी है। और जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बीच में दिखाया तो इस हाईवे को 90% तैयार कर दिया गया है और अभी 10% और काम करना बाकी है इस हाईवे पर। और 10% ये है कि इस हाईवे के चारों दोनों साइड में और बीच में डिवाइडर बनाना भी बाकी है और जो वाइट पट्टी बनाई जाती है उसको भी बनाना भी काफ़ी है, तो इसलिए 10% अभी ये बीच में काम। सो गाइस, ये बनाया जा रहा है सभा वाला क्षेत्र में काफ़ी बड़ा फ्लाईओवर, और इस फ्लाईओवर को बनाने का रीज़न ये है कि आप जो ये देख रहे हैं इधर से गाड़ी जा रही है, ये विकास नगर का बाईपास रोड पड़ता है, यहाँ से आप लोग विकास नगर
जा सकते हैं। और हरबरपुर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है और विकास नगर यहाँ से कम 16 किलोमीटर दूर पड़ता है। इधर से रास्ता जाता है इधर, और इधर से शिमला बाईपास रोड कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, ताकि नीचे वाला ट्रैफिक और ऊपर वाला ट्रैफिक आसानी से चले, इसलिए इसे फ्लाईओवर को तैयार किया। मेरी अपडेट गाइस इस सबा वाला क्षेत्र तक की, और अगली बार मैं आप लोग को इस सबा वाला से आगे की वाला क्षेत्र से आगे पड़ता है आपका हिंदू वाला, बड़ी माजरी, छोटी माजरी और मेंदलीपुर। तो मेंदलीपुर तक की आप लोग को मैं ये अपडेट दिखाऊंगा अगली बार इस सबा वाला से। तो गाइस आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सबा वाला क्षेत्र है, और इस सबा वाला क्षेत्र में काफ़ी बड़ा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। और इस फ्लाईओवर को बनाने का रीज़न ये है कि यहाँ से विकास नगर का बाईपास रोड पड़ता है, जो विकास नगर यहाँ से 16 किलोमीटर दूर पड़ता है और हरबरपुर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, इसलिए ये फ्लाईओवर यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, और काफ़ी बड़ा ये फ्लाईओवर यहाँ पर बनाया जा रहा है। गाइस ये थी मेरी अपडेट इस सबा वाला तक की, और अगर आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाए। और गाइस आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप लोग ही काफ़ी सपोर्ट की जाना है, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो ये मेहनत काफ़ी बेकार जाएगी। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप लोग जितना हो सके सपोर्ट करें। गाइस ये थी सबा वाला तक की लास्ट अपडेट, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों से कल्याणपुर से और सीखो वाला और सबा वाला तक की अपडेट दिखाई है, और इसमें दिखाया मैंने आप लोगों की कहां तक इस हाईवे को कंप्लीट कर दिया गया और कहां तक अभी ये बाकी है। फिर मैं मिलूंगा आप लोगों को इस सबा वाला से आगे की एक और अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय।